लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, देखिए जो पूरी परिस्थिति यहां पर दिखाई देती है, इस पूरे अटैक को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली जो दोनों घटनाएं हुई हैं, क्या ये किसी तरह का ट्रायल है और आतंकवादियों की आगे कोई बड़ी रणनीति है? मीनाक्षी जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है, ये कोई इंटरनल और कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का विषय है और हमको इसको बहुत गंभीरता से देखना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी टेरर टेररिज्म और कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी स्तर बदल गया है, इट हैज गॉट टोटली चेंज। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, सर्वेलेंस, डिटेक्शन और ड्रोन को डिसेबल करना और डिस्ट्रॉय करना, ये अभी हमारा मकसद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक एरिया का किस प्रकार से डिफेंस करना है, प्रोटेक्शन करना है, वो काबिलियत है हमारे पास में। आपको याद होगा कि 15 जनवरी को इसी साल के ऊपर में 75 ड्रोन का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें बताने के लिए कि हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का जो डिफेंस है, इसको और पुख्ता करना पड़ेगा, ताकि हर एक जगह जहां जहां टारगेट है हो सकता है उसको करे। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, इसके पश्चात की इन्वेस्टिगेशन से पता लगे कि कहां से लॉन्च हुआ था, किधर से आया था, क्या ये पाकिस्तान की साइड से आया था, क्या क्रॉस बॉर्डर था, उसके बाद में प्रोएक्टिव और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन और प्रिसीजन के साथ में करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। इन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है और उसका एक कड़ा जवाब देने की जरूरत है, और हमारे में वो जवाब देने का काबिलियत है, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, नम्रतापूर्ण एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमला हुआ है, जिस प्रकार डीजीपी साहब ने कहा है, ये टेरर अटैक है, ये ड्रोन अटैक है, तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी में कोई चूक या कोई लैप अवश्य हुआ है। क्या हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, और हमारी जो काबिलियत है, केपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है प्रोटेक्शन की, सर्वेलेंस की और ड्रोन को मार गिराने की, वो बहुत जरूरत है। नेवी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है, जो हमारे डीआरडीओ और बेल है, उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफिक एरिया में ये सक्सेसफुल काबिलियत है उनके पास में। अभी है कि किस प्रकार से उसका मास प्रोडक्शन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जगह के ऊपर में ये काबिलियत को दिया जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतमान सर, अब मैं आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, अगर एयरबेस पर इस तरह से उसको निशाना बनाया गया, वहां पर हमले की कोशिश हुई, तो बड़ा सवाल यह है कि कल को अगर इसी तरह की कोई आतंकी वारदात तो हम किसी और बड़े सेटअप पे या किसी और बेस पर देखते हैं, तो यकीनन वो बड़े थ्रेट लेकर पूरे देश के लिए आता है। आज इस चर्चा में कोई भी दो या तीन सुझाव अगर आप सरकार को देना चाहें तो? देखिए, मैं ये इस बात से गौरव जी से सहमत हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये जरूर हुआ है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका जो परस्पर सहयोग है, जो कि कई सारे जो इंसिडेंट्स हमने अवॉइड किए, उसमें साफ झलकता है कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में इजाफा हुआ है, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन हमें फिर से मोटे तौर पर यह समझना होगा, नॉट ओनली द म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस गैदरिंग का वेरी पर्पज ये है कि आप फोर्सी करें और उसके हिसाब से फोर प्लान करें और अपने सेना और अर्धसैनिक बलों को अकॉर्डिंगली फोर आर्म करें, माने उनके पास वो टेक्नोलॉजी और वो आर्मामेंट या वो सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी एंश्योर करें, जिनसे आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। अब आप देखिए, एक हफ्ते पहले की बात है, 18 तारीख को बैंगलोर में मेडिकल डिलीवरी बाई ड्रोन के ट्रायल्स कमेंस किए हैं, वो भी हमारे इसी देश में हो रहा है।